एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत अरसे के बाद कोई व्लॉग बना रही हूँ। इरादा तो नहीं था, लेकिन तहज़ीब बेकरी पे आके मेरा इरादा बन गया। और आज जैसा कि आप सबको पता है, 25 दिसंबर 2020 है, हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो बाहर मैंने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और अंदर जब मैं गई तो यहाँ पर क्रिसमस डे के हवाले से कुछ डेकोरेशन हुई थी, जो कि बहुत प्यारी थी। बहुत ही अच्छा विंट्री इफेक्ट और स्नो का इफेक्ट दिया हुआ था। बच्चे भी उसको देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। आज मेरा यहाँ आना इसलिए हुआ था कि हम फ्रेंड ने कहा, सोचा कि चलो वन डिश पार्टी करते हैं। तो मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए आई थी और मैंने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया। और मैंने कहा जब तक पिज़्ज़ा रेडी होता है, उन्होंने मुझे 15 मिनट वेट करने का कहा। तो मैंने कहा जब तक पिज़्ज़ा रेडी होता है, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये एंट्रेंस पे देखें, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है। और बाहर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के हवाले से भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह भी की हुई है और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। आपने जाना कहीं नहीं है, आगे मैं आपके साथ जो हमने वन डिश पार्टी की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी इतना रश नहीं है और इजीली मैं वीडियो भी बना सकती हूं और आपको दिखा भी सकती हूं। और आप ऊपर देखेंगे बहुत ही प्यारी जो है लाइटिंग भी हुई भी है, ट्री भी बने हुए हैं, बॉल्स लगी हुई हैं और काफ़ी ग्लिटरी इफेक्ट भी दिया हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, आँखों को काफ़ी भला लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये मैं आपको कैमरा घुमा के सारी तरफ से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। और कुछ ही देर में देखें, यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर अंदर इतना रश हो गया, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया। और ये थैंक गॉड के सबने जो मास्क है सबके लिए मस्ट रखा हुआ। और ये देखिए, आप मुंह मीठा रख कर लीजिए। मुंह मीठा क्या करना है, ये इन्होंने कुछ अपने नए फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये टेस्ट के रखे हुए होते हैं कि हमारा नया फ्लेवर कैसा है, आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आप चाहें तो फीडबैक भी दे सकते हैं। और ये देखें, कैचअप के एरिया पे बॉल्स के रेड बॉल्स के साथ ग्रास का इफेक्ट दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत केक देखे। और ये देखें, साथ में कुछ ड्रम और सेंटा और क्रिसमस ट्री के साथ केक बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। तो आप भी आइए और आप भी देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारी डेकोरेशन और डिफरेंट डेकोरेशन की है। पिछले साल मैंने देखा था इतने प्यारे नहीं थे, लेकिन इस साल मैंने देखा कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत केक इन्होंने डिस्प्ले पर लगाए हुए हैं। और ये साइड पे भी देख लें, मैंने क्रिसमस के हवाले से तो काफ़ी केक देखे यहाँ पर, लेकिन 25 दिसंबर जो हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की हैप्पी बर्थडे है, उसके हवाले से मुझे कोई केक भी नज़र नहीं आया। चलो कोई किसी एक केक पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की पिक्चर लगा के डिस्प्ले पे रख देते तो बहुत अच्छा लगता, हमें पाकिस्तानियों को काफ़ी अच्छा लगता कि क्रिसमस डे के हवाले से भी एक तरफ हो जाता और बर्थडे हैप्पी बर्थडे के कायदे आज़म की हैप्पी बर्थडे टू यू के हवाले से भी हो जाता। और ये रशियन सैलेड माई फेवरेट, इनकी मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें, कुछ लिख के लिखा हुआ है कि भाई आप ग्लास को टच मत कीजिए, इस पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो फिर जो कुछ लिखा हुआ हो उस पर अमल किया करें। और पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा लेके पार्टी पे, ठीक है। अब ये देखें जी, हम गर्ल्स की पार्टी शुरू हो गई है, वन डिश पार्टी शुरू हो गई है। और इन गर्ल्स का कोई हाल नहीं, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दें। और लेकिन नहीं, इनको जी अच्छी खासी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो हैप्पी बर्थडे टू यू तो कर लें। और ये जनाब, हमने जल्दी जल्दी से हैप्पी बर्थडे टू यू करने की कोशिश की और सबको, मुझे लगता है कोई भी नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं करके आया हुआ था, और सब ने फौरन ही खाना पीना शुरू किया। चलें जी, हम करते हैं पार्टी इंजॉय। और आप भी घर में बच्चों के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की हैप्पी बर्थडे के हवाले से थोड़ी सी बर्थडे रख दें। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।